नमस्कार साथियों, चौमुतक चैनल में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं आपका अपना सुभाष सैनी। आप सभी इस पेड़ को जानते होंगे, ये कौन सा पेड़ है, किस नाम से जाना जाता है, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बता दूं। ये एक खेजड़ी का पेड़ है जो बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये अपने थार के मरुस्थल में ज़्यादा पाया जाता है। ये जेठ के महीने में बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जेठ के महीने में आप सभी को पता है कि धूप ज़्यादा होती है। इस ये हरा भरा रहता है, आप देख सकते हो कितना हरा भरा है। जो इसके फूल होते हैं उनको बोलते हैं अपन मिंजर, और जो इसका फल होता है उसको बोलते हैं अपनी भाषा में सांगरा, जो आप सभी को पता है अपन बचपन में खूब खाया करते हैं। जो सांगरे होते हैं वो सूखने के बाद में वो उनका रूप हो जाता है सूखा मेवा। आप देख सकते हो ये पेड़ हरा भरा हुआ है। मैं इसके बारे में बता दूँ, इस खेजड़ी की जो जड़ें होती थी अपन बात करना चाहते हैं, वो बहुत मजबूत होती थी पहले। आप देख सकते हो जो लोग पहले हल चलाते थे बैलों के द्वारा, जो उनके हल थे वो उनकी जड़ों से बनाए जाते थे, वो बहुत मजबूत होती है। इसका जो तना होता है ये फर्नीचर के काम में लिया जाता है, इसके कभी दीवार वगैरह कुछ भी नहीं लगती। खेजड़ी एक अनोखा ही रूप है, आप सभी को पता है, जो अपने हवन होता है हवन में इनकी छड़ियाँ काम में ली जाती है। आप सभी को पता है आपके घर में भी हवन हुआ होगा। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये राजस्थान के मरुस्थल गांव में ज़्यादा इन ये पाए जाते हैं खेजड़ी के पेड़। अपन अलग अलग राज्यों में इनके अलग अलग नाम है, और राजस्थान में इसका नाम खेजड़ी है, और खेजड़ी को और अपन समी भी बोलते हैं, और सांगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है अपने राजस्थान में, जाट के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी को पता है बचपन में बहुत खूब खाए हमने यहाँ पे। सांगरी जो दिख रही है आपको, अभी तो लग नहीं रही है, जेठ के महीने में ज़्यादा आएगी, गर्मियों के दिनों में ज़्यादा आएगी। चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।